नमस्कार लाइव लगातार के माध्यम से मैं राजलक्ष्मी आप सभी का स्वागत करती हूँ आज स्टेशन रोड पे। स्टेशन रोड की दयनीय स्थिति आज किसी से छुपी नहीं हुई है जमशेदपुर में, इसे लेकर ये काफ़ी चर्चा में भी रहा। रोड बना भी, जिला प्रशासन ने इस रोड की जिम्मेदारी अपने जिम्मे में भी ले ली, लेकिन अब भी आपको रोड की जो स्थिति है वो उतनी ही दयनीय देखने को मिलेगी। तो इस पर सुधार नहीं हो पा रहा, और सुधार क्यों नहीं हो पा रहा है इससे लेकर हम बातचीत करेंगे यहाँ के लोगों से, जहाँ जिनका यहाँ पर आना जाना अक्सर लगा रहता है। तो देखिए जमशेदपुर से मेरी एक खास रिपोर्ट। बड़ा गड्ढा हुआ, आगे जाकर देख लीजिए, ना रेलवे बनाता है ना किसको बना रहा है, क्या फायदा रोड में। जिला प्रशासन अपने जिम्मे लिया है रोड बनाने का, लेकिन अभी तक रोड बना नहीं। कोई रोड नहीं बनाता, किसी को मतलब ही नहीं रोड से, ना सरकार को मतलब है, ना रेलवे को, ना किसको को। समस्या क्या है, देखिए रोड में गड्ढा बड़ा बड़ा पड़ा हुआ है, क्या समस्या है। इस वजह से आप लोगों को फाइन करने में बहुत बहुत परेशानी होता है, बहुत परेशानी होती है। कहाँ के रहने वाले हैं? बारह मस्क कॉलोनी। नाम आपका? गजेंद्र कुमार। कब से देख रहे हैं यहाँ पर? 8-9 साल से। 8-9 साल से। बीच में मतलब पेपर में काफी मुहिम चली थी कि रोड बनाना यहाँ का कुछ सुधरा था कहीं से, लेकिन यहाँ पे नहीं लग रहा रोड बनना है। जिला प्रशासन के हाथों में आ गया है जिम्मेदारी, आप लोगों को क्या दिक्कत होता है ऐसे रोड से आने जाने से? ऐसे तो दिक्कत है कि बाई चांस अगर कुछ भी होता है तो वो जगह गड्ढा में इंसान गिर सकता है। यहाँ पे रहते नहीं, आते जाते हैं? हम आते जाते, रहते नहीं हैं। जिला प्रशासन से क्या कहेंगे, रोड बनना चाहिए कि नहीं? बनना तो चाहिए, क्योंकि काफ़ी दिक्कत हो रही है। हाँ, बनना चाहिए। आप कहाँ के रहने वाले? बाईडी। नाम आपका? मेरा नाम कौशिक दास। गरीब को बर्बाद कर दिया, और रोड काफ़ी खराब है। रोड तो खराब है ही है अभी तक, मतलब पहले तो था कि रेलवे बनाएगा, अब सरकार के जिम्मे आ गया जिला प्रशासन के जिम्मे, लेकिन अब भी रोड नहीं बना है। नहीं बना। क्या कहेंगे इसको बनना चाहिए, क्या क्या परेशानी होती है आप लोगों को? रोड तो बननी चाहिए। क्या क्या परेशानी होती है आप लोगों को? सबसे परेशान हो रहा है, परेशान तो गाड़ी हो रहा, हम लोग हो रहा, पब्लिक, सब लोग परेशान ही परेशान है, सारे लोग परेशान हैं। हाँ, लेकिन फिर भी रोड नहीं बन रहा। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से मांग है ये पूरा कीजिए। नाम क्या होगा? नाम बापी। चलिए आपका? वही बापी। ठीक है। कितना परेशान है? बहुत परेशान है, एनी टाइम जाम होता है, जाम का कोई गिनती नहीं है। ठीक है, सरकार से क्या कहेंगे? क्योंकि सरकार से बोले हैं कि रोड चौड़ा करे और रोड बनाए, रोड बनाए जल्द से जल्द बने, ताकि जाम की समस्या से निजात मिले। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? हाँ, बर्मा माई। आपका नाम? सुभाष चक्रवर्ती। बहुत परेशानी है। कब से रोड खराब देख रहे हैं यहाँ का? बहुत दिन से देख रहे हैं, 4-5 साल हो गया खराब है। रोड बनता है कि नहीं? नहीं बनता। एकदम नहीं। सरकार से क्या कहेंगे? सरकार को बोलो रोड बनाने का। अच्छा। हाँ। रोड बनना चाहिए, रोड ना बनने से क्या क्या परेशानी होती है आप लोगों को? हम लोगों को परेशानी रोड में दिक्कत होता है आने जाने का, जाम लग जाता होगा। हाँ, जाम लग जाता है, भीड़ हो जाता है। एक्सीडेंट का डर रहता है कि नहीं? रहता है, एक्सीडेंट का बहुत डर, ज़्यादा डर है। अच्छा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम सीकेपी झारखंड। आवाज़ थी यहाँ पर गाड़ी चलाने वाले लोगों की, जो यहाँ पर ख़राब रोड की वजह से जाम की समस्या और गड्ढों की समस्या से परेशान है। ना तो यहाँ पर लोग सही से चल पा रहे हैं और ना ही गाड़ियाँ सही से चल पा रही है। ऐसे में इनकी गुहार जिला प्रशासन से बस इतनी रहेगी कि जल्द से जल्द इस रोड की स्थिति जो है वो केवल सुर्खियों में, अखबार की सुर्खियों में नहीं, बल्कि वास्तविकता में सुधरे, ताकि स्टेशन रोड जहाँ से लोगों का सबसे पहले आवागमन होता है उसकी स्थिति सुधर जाए। इसी के साथ नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लाइव लगातार से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।